दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि आप मजे में होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम अभी पहुंचे हैं लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का गेट है, यहाँ से इसका फ्रंट व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से ये इसकी एंट्री वगैरह होती है, सामने साइड में आप देख सकते हैं ये एंट्री है, इधर एग्जिट है। आप दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं, मगर एक सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप DSLR कैमरा लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए। ये क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे साथ कैमरा है, इसको अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया। क्योंकि अगर आप अंदर ले जाते हैं DSLR कैमरा, अगर पकड़ा जाता है तो लगभग 17,000 के आसपास फाइन ये लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए तो DSLR कैमरे को इग्नोर करें और मोबाइल से यहाँ पर शूट कर सकते हैं। तो अंदर हम अभी जाएंगे, क्योंकि हम कैमरा बाहर ही रखेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या माहौल रहने वाला है और क्या क्या अंदर चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं और आगे देखते हैं कि फिर यहाँ पर क्या क्या है अंदर। तो देख सकते हैं, फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पार्क है, और यहाँ जो सामने से एंट्री होती है, ये बाहर का व्यू है। इधर आप देख सकते हैं राइट हैंड पे टिकट काउंटर है, अगर आपको टिकट लेने हैं तो वहाँ से टिकट ले सकते हैं, क्योंकि टिकट लेना लाजिम है और 15 रुपये का यहाँ पर लगभग 1 पर हेड टिकट है। तो सामने वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और इधर सामने से यहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं, ये बाहर का व्यू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी अंदर जाएंगे, टिकट लेंगे, फिर सामने आप देख सकते हैं ये टिकट बुकिंग है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो प्रवेश टिकट शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है 15 रुपये पर हेड। तो आगे हम देखेंगे और यहाँ से टिकट लेंगे, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। सर, कितने का टिकट है? 2 दिन। दोस्तों, हमने टिकट ले लिया, 15 रुपये पर हेड ही हमने टिकट लिया है। मैं जुनेद है साथ में, दोनों अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या चीज़ें यहाँ पर देखने लायक है। देखने लायक तो पूरा ही, मगर अंदर देखते हैं क्या क्या देखने को हमको मिलेगा। तो अंदर जा रहे हैं और फिर देखते हैं सामने से क्या क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है, कुछ बच्चे स्कूल के हैं जो अभी यहाँ से वापस हो रहे हैं, और यहाँ से अंदर जाएंगे और देखेंगे फिर अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री से हम अंदर आ चुके हैं और अंदर से इस तरह का नज़ारा यहाँ पर आपको पार्क में देखने को मिलेगा। उधर शायद म्यूज़ियम बना रखा है, तो अभी वहाँ पर जाएंगे, पहले इधर से देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल रहने वाला है और किस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। वो काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, अगर आप इसे पार्क में घूमने के मकसद से आते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये पार्क बना रखा है। पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है इसमें, सब पर टोटल हर जगह आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो थम है, थम के ऊपर भी यहाँ पर मूर्तियाँ हाथी की बनाई गई है, क्योंकि मायावती सरकार में बनाया गया था, तो मायावती का जो इलेक्शन सिंबल है तो वो हाथी है। तो हाथी करके यहाँ पर सारे इस पार्क में हाथी को फोकस करके ये बनाया गया है। तो पूरे पार्क में अगर जहाँ भी आप देखोगे, हर जगह यहाँ पर हाथी का यही सिंबल आपको देखने को मिलेगा, हाथी का ही चिन्ह मिलेगा। थम देख लो, किसी भी तरह के कहीं भी आप देखोगे तो हर जगह आपको हाथी हाथी मिलेगा। तो सब चीज़ें आप ये देख सकते हैं, किस तरह का खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की और गानों की शूटिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं कि सब जगह यहाँ पर, और ये स्तंभ बना दिया गया है जहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई है। आपने काफ़ी गानों में यहाँ पर ये वाला जो सीन है, काफ़ी फिल्मों में और गानों में यह सीन यहाँ पर दिखाया गया है, और काफ़ी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त तरीके का है। तो आप देख सकते हैं सामने, यहाँ देख सकते हैं कि ये हाथी बने हुए हैं बड़े बड़े, ये हाथी दीर्घा है, ये हाथी दीर्घा बनी हुई है जहाँ पर हाथी हाथी बने हुए हैं, और कितने बड़े बड़े हाथी यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथी बने हुए हैं। इधर ये सामने से गेट है, ये अभी बंद है, और इधर सब जगह से यहाँ पर हाथी होती बने हुए हैं पूरी साइड से। तो यहाँ सामने बना हुआ ये मेन है, यहाँ से सूरज है,
इधर से आप देख सकते हैं कि सामने से ये हाथी दीर्घा है और कितना जब सरीके के दोनों साइड आप देखते हैं, दाएं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ हाथी हाथी नज़र आते हैं आपको। इतने हाथी बनाए हुए हैं यहाँ पर, हाथी इतने बनाए, इतने हाथी जंगल में भी नहीं है जितने हाथी इस पार्क में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा माहौल यहाँ पर बना दिया गया है और इतने हाथी यहाँ पर बना दिए हैं कि हाथी हाथी आपको देखने को मिलेंगे। शायद मुझे लगता है यहाँ पर वही मैंने आपको बोला कि इतने हाथी जंगल में भी नहीं है जितना हाथी यहाँ पे इस पार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। और वो सामने देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिवर्तन गैलरी है, तो वहाँ भी जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो, और वहाँ पे क्या नज़र आता है। ठीक है, एंट्री करते हैं, देख सकते हैं सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गैलरी है, इसमें अंदर जाके देखेंगे क्या चीज़ है। इनमें देख सकते हैं अंदर यहाँ पर कुछ लोगों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, तो इधर बाईं तरफ तो कुछ खास ऐसे नहीं थम वगैरह बना ही गए हैं, मगर इधर आप देख सकते हैं इधर एक बनाई गई एक मूर्ति इधर बनाई गई है श्री नारायण गुरु की, एक उधर बनाई गई है, एक मूर्ति उधर बनाई गई है। तो यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर इस वाले रोड पर ना सारी मूर्ति बनाई गई है कुछ इस तरीके से करके, यहाँ पर जो हमारे देश के महापुरुष हैं उन लोगों की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी वहाँ पे मूर्ति है, उधर भी कुछ मूर्तियाँ हैं सामने, अगर आप देखोगे आओगे तो फिर चेक करोगे आप, यहाँ पर आकर देखेंगे तो एक ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आपको यहाँ को मंजर देखने को मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि लखनऊ में अगर आप हो तो आप ऐसी चीज़ों को आया करें, देखा करें कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की कंस्ट्रक्शन है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी हमारे देश से अलावा, तो यह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हमारे रहने वाले, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे आए एंजॉय करें और देखें यहाँ पर आने का। तो फिर चलो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, फिर और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़। करीब से देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर व्यू आता है, और यहाँ पर ये मुख्य द्वार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल है, और ये इस तरह से यहाँ पर सीढ़ी है, अंदर जाएंगे और देखेंगे अंदर क्या है यहाँ पर, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं फिर। स्कूल वगैरह के बच्चे हैं यहाँ पर और काफ़ी मस्तियाँ यहाँ पर कर रहे हैं लोग, और इस सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर। तो अभी अंदर है, यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी दो हाथी बना दिए हैं, और आगे अंदर जाकर हम देखें कैसी स्थिति है और क्या है यहाँ पे सामने अंदर।